घर के अंदर और बाहर अच्छा से अच्छा बढ़िया पेंट कर लेते हैं, पर दरवाज़ा में सही कलर और सही तरह से पेंट नहीं होने के कारण मन में सब दिन खुटमुटी रहता है, यार दरवाज़ा में सही कलर और सही तरह से पेंट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज इस तरह का वीडियो देखने के लिए पूरा लास्ट तक देखिए, आज इसी तरह का जानकारी हम देने वाले हैं दरवाज़ा में कैसे पेंट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कलाकार राजीव रंजन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कलाकार छक्कास। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों देख सकते हैं, यही दरवाज़ा सब में हम आज कलर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन ब्राउन पेंट करने वाले हैं। इस पे जो हम चाकू मिट्टी का फिलिंग कर चुके हैं और इसमें 150 नंबर का सैंडिंग पेपर भी लगाकर सफाई कर चुके हैं, 220 नंबर का, सॉरी दोस्तों। तो इसी तरह किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाकू मिट्टी का फिलिंग कैसे किया जाता है अगर नहीं देखें वीडियो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो ये अंदर बाहर का कलर भी हम वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, चलिए अब दिखाते हैं पेंट। तो ये रहा गोल्डन ब्राउन पेंट, इंडिको कंपनी का प्यू सुपर ग्लोस। दोस्तों ये काफ़ी चमक वाला बहुत ही अच्छा पेंट है, गोल्डन ब्राउन प्यू अनामल पेंट है, काफ़ी चमक है इसमें। इसमें और चमक बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका रेट 1195 रुपया है, जो कि 4 लीटर का पैकिंग है। ये पैकिंग खोलने से पहले आप जो है बाल्टी को अच्छी तरह से हिला डुला लीजिए ताकि नीचे जो पेस्ट बैठा रहे वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो इसी तरह से पेचकस की सहायता से अच्छी तरह से ढक्कन खोलिएगा ताकि इसमें जो बाद में बच जाए तो वो ढक्कन भी अच्छी तरह से लग जाता है। देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनिंग वाला पेंट है, गोल्डन ब्राउन। तो दोस्तों इसको खोलने से बाद जो है अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लीजिए ताकि जो भी नीचे में बैठा रहे वो मिल जाए। तो हमने आज 1 लीटर यूज करने वाले हैं। अभी देख सकते हैं जो 1 लीटर हम इसमें निकाल देते हैं। तो इसमें आप दोस्तों तारपीन तेल ही मिक्स कीजिएगा, या तो आप थिनर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम 1 लीटर में जो है 200 से 300 ml तक यूज करने वाले हैं। तो देख सकते हैं, हल्का पतला करने के लिए आप तारपीन तेल या थिनर भी यूज कर सकते हैं। तो ये तेल डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद आप 3 या 2 इंच का ब्रश से आप कीजिएगा। तो 2 या 3 इंच का ब्रश करने से क्या होता है, अच्छी तरह से कटिंग भी होता है और काफ़ी बढ़िया भी रहता है, कोई इधर उधर नहीं बहकता है। तो हमने 3 इंच का ब्रश लिए और इस चौकाट पर लगाना शुरू किए हैं। देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा कलर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो इसमें आप ग्रिल सब देख रहे हैं, इसका ग्रिल में भी हम पेंट करने वाले हैं जो कि एल्युमिनियम कलर होगा। तो किस तरह से करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन कलर सा हम इस घर में लगाए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप हमारी चैनल कलाकार झकास चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप फेसबुक पेज कलाकार झकास पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो कितना खूबसूरत कलर ये लग रहा है। तो इस रूम सब में जो हम ब्लू कलर किए हैं और POP सब में ब्लू कलर और भी कलर सब किए हैं, सब का वीडियो बारी बारी से मैं बना रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसी तरह यूज किया जाता है। दोस्तों ये बात है जो कि गोल्डन ब्राउन पेंट एक लकड़ी जैसा कलर है, काफ़ी लोग पसंद कर रहा है, काफ़ी बढ़िया पेंट है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी चमक भी इसमें है। अगर आप लोग नहीं यूज किए हैं तो ज़रूर यूज कीजिए, काफ़ी खूबसूरत और कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन में आ जाता है और बहुत ही बढ़िया कलर खिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत सा ये चौकाट दरवाज़ा लग रहा है देखने में, पेंट होने के बाद देखिए कितना लुक बदल गया। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।